अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस्तकबाल है हमारे YouTube के इस चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप एक नींबू की सहायता से पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण हुआ है या नहीं। जी हाँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। कई बार हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ऐसी बातें घूमती रहती हैं, किसी की हरकतों की वजह से हम ये सोचने लग जाते हैं कि शायद उसका किसी ने वशीकरण किया हो, या उसके ऊपर कोई टोना टोटका हुआ हो, या फिर उसे कुछ खिलाया पिलाया गया हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो आपके घर का कोई हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, आपका कोई दोस्त हो, आप पता लगा सकते हैं कि उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई वशीकरण टोटका हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमारे इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए होगा एक नींबू, और साथ ही साथ उस व्यक्ति का एक फोटो चाहिए होगा। मैंने आपको, आपके सामने ये बताने के लिए ये एक फोटो यहाँ पे रखा है, लेकिन आप उस व्यक्ति का जो असली फोटो है वो ले लीजिएगा, जिसमें वो सिर से लेकर पांव तक, यानी कि आपको खड़े पोजिशन में मिले, जिससे कि आप इस उपाय को कर पाएंगे। तो अब आपको क्या करना है कि उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर उसके फोटो पर ही लिख देना है। मान लीजिए कि उस आप किसी लड़की के ऊपर अगर पता लगा रहे हैं, लड़की के ऊपर कोई वशीकरण हुआ है या नहीं, तो उसका नाम लिख दीजिए फोटो के साथ में ही। नाम लिखने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, कि आपको उनका पूरा नाम लिखना है। मान लीजिए अगर आप लड़की का नाम यहाँ पर लिखते हैं रुबीना, तो उनकी जो भी सरनेम है वो जरूर लिखिएगा। रुबीना खान मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और सेम यही चीज आपको नींबू पर भी लिखनी है। नींबू पर भी आपको पेन की सहायता से, आप स्केच पेन ले लीजिएगा, और आपको इस तरह से उनका नाम लिख देना है। तो यहाँ पर मैंने, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर रुबीना खान लिखा है, और इसके बाद आप इसे अपने सामने इस तरह से रख लीजिए। अब आपको इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको इस नींबू को लेना है, और उसके बाद उस फोटो पर पहले सिर पर टच करना है, और उसके बाद सिर पर टच करते हुए आपको नीचे की तरफ आना है, पैर पर टच करना है, और इसी तरह से आपको 7 बार करना है दोस्तों। सिर पर टच करना है और इसे उतारते हुए आपको पैर पे ले जाना है, फिर वापस सिर पर रखना है और उतारते हुए नीचे आना है। ऐसे करते करते जब आप 7 बार कर लेंगे, तो 7 बार करने के बाद आपको करना क्या है, इस नींबू को ले जाकर आप अपने घर की किचन में, या फिर अगर किचन में नहीं कर सकते हैं तो कहीं भी एक खुली जगह पर जाएं, और वहां पर आप इसे नींबू को जला दें। नींबू को जब आप जलाएंगे, उस समय जब इसमें आग लग चुकी होगी, तो जब इसमें से जब लहरें निकलेंगी, यानी जो लपटें निकलेंगी आग की, तो आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। अगर उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई टोना टोटका या वशीकरण हुआ होगा, तो उस आग की लपट में आपको कोई ना कोई चीज दिखाई देगी। जी हाँ, और अगर उनपे कोई वशीकरण नहीं हुआ होगा, तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से वो आग जलेगी और नींबू जल के काला पड़ जाएगा। लेकिन अगर उनके ऊपर किसी भी तरह का वशीकरण, उन्हें कुछ खिलाया गया होगा, या फिर उन्हें कोई गिफ्ट के जरिए कुछ दिया गया होगा, या फिर किसी ने उनके ऊपर प्यार का वशीकरण किया होगा, तो वो हर चीज में आपको कुछ ना कुछ उससे संबंधित चीज उसमें जरूर दिखाई देगी। इस तरह से आप ये पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, ये तरीका आप अपने घर में कर सकते हैं। अगर आप चाहें इस बारे में और कुछ जानना चाहें, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके अगर आपका कोई और मसला है, तो उसका हल भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। शब्बा खैर।